ये अफसर कन्नन गोपीनाथन जो कि सुर्खियों में रहे थे जब सरकार ने धारा 370 हटाई थी, उसके ऊपर उन्होंने इस्तीफा दे दिया था अपनी आईएएस सर्विस से। अब उनका सरकार पे आरोप है कि सरकार उनका इस्तीफा स्वीकार नहीं कर रही है। अगस्त से अब तक सरकार ने उनका इस्तीफा स्वीकार नहीं किया है क्योंकि सरकार के इरादे गलत है और सरकार उनको बर्खास्त करना चाहती है। जाहिर सी बात है, एक आईएएस ऑफिसर की ट्रेनिंग पे सरकार का बहुत पैसा खर्च होता है। एक आईएएस ऑफिसर बनने से पहले सरकार एक आईएएस ऑफिसर के ऊपर इतना पैसा खर्च करती है, और अगर वो आईएएस ऑफिसर अपनी सर्विस के 1-2 साल के अंदर ही वो सर्विस छोड़कर चलता बने तो सरकार का बहुत नुकसान होता है। और अगर बीच में इस्तीफा दे रहे हैं, और इस्तीफा तब माना जाता है जब कोई व्यक्ति उससे ऊंची नौकरी के लिए इस्तीफा दे रहा हो, लेकिन कन्नन गोपीनाथन ने विरोध में इस्तीफा दिया था। तो इसलिए अगर सरकार बर्खास्त कर रही है तो वो सरकार का फैसला है, और यकीनन सरकार को इस तरह के फैसले लेने का हक है। अगर कोई सर्विस अपनी सर्विस के इतनी जल्दी इस्तीफा मांगता है, एक आईएएस ऑफिसर इच्छा से रिटायरमेंट तो ले सकता है, लेकिन उसके लिए उसको कुछ एक निर्धारित समय होता है कि 10-15 साल इतनी नौकरी करनी पड़ेगी, उसके बाद आप रिटायरमेंट ले सकते हैं। लेकिन कन्नन गोपीनाथन ने ऐसा नहीं किया, बल्कि अगस्त से अब तक वो सरकार के विरोध में रही हैं और हर बार वो सुर्खियों में बने रहते हैं। पहले 370 के विरोध में सरकार का विरोध किया, उस वक्त वो सुर्खियों में आए। उसके बाद जब आर्टिकल 35(8) भी उसी वक्त हटाया था, उसके भी विरोध में थे। और जब अब सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट की बात है तो वो जगह जगह जाकर विरोध प्रदर्शनों में शामिल होते हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस उनको गिरफ्तार भी कर चुकी है। जब वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन यूपी पुलिस ने साफ कर दिया कि इजाज़त नहीं है और जाने नहीं दिया जाएगा, और उनको गिरफ्तार करके बॉर्डर पर छोड़ दिया था। इसके अलावा JNU में भी विरोध प्रदर्शन में वो शामिल हो चुके हैं, जामिया में भी विरोध प्रदर्शनों में शामिल हो चुके हैं। इसके अलावा ऐसी कितनी ही जगह हैं, वो जगह जगह विरोध प्रदर्शन में शामिल होते रहते हैं। और ऐसी ही एक जगह उन्होंने बताया कि उनका इस्तीफा अभी तक मंजूर नहीं हुआ है क्योंकि सरकार उनको बर्खास्त करना चाहती है। इस्तीफे के कारण जो 2-4 उनको सुविधाएँ मिल सकती थी, उस पोस्ट रिटायरमेंट वाली वो नहीं मिलेंगी। जाहिर सी बात है, ऐसा तो सरकार को करना ही था अगर आपको सरकार का इतना ही विरोध करना है। तो चलिए दोस्तों, मैं राहुल चौधरी फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। आगे भी इसी तरह की देश दुनिया, बॉलीवुड और मनोरंजन की तमाम खबरों के बने रहिए मेरे साथ। जय माता दी।